अरे क्या है, थोड़ा सामान तुम भी उठाओ, पूरा मैच ले लेके आऊं। बहुत बड़े बड़े बातें करके आए ना वहां, पूरा काम मैच करता हूं बोल के उठाओ सामान। अम्मा अच्छा है आपका, रैप वॉक कर लेते यू 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 आ गए। हाँ वहां पे आपके अम्मी के ताने सुन सुन के आई, अब आप यहाँ सुनो। कई को करते फिर ऐसे काम ताने सुनने के। मैं क्या करी, चुपिच बोलते क्या कोई भी। ओहो बहुत ही हिम्मत आ गई अम्मा के हाथ का खाना खा के आपको। ये नको भूलो के आप आ गए वापिस, समझे। कैसा भूलते, हर लम्हा एहसास होता मेरे को। बहुत उठ रहे थे वहां पे, जो मुंह को आया बोल दे रहे थे। मैं क्या बोला जी। और भाभियों का तो आपको इतना पसंद आया खाना, अरे रे रे मुंह थकरा रहे था आपका तारीफ करते करते। अच्छा था तो अच्छा था बोला। ऐसा भुकड़ों के ऐसा खा रहे थे भाभी, ना क्या बोल रहे थे मालूम, मजे का खाना मिला तो शोएब को देखो कैसा खा रहा बेचारा कहते। हाँ जी जरा रहता ना अपने मसाले। आपको चाकना नहीं पसंद था ना जी। मैं यहाँ बनाती हूँ बोले तो अम्मा नक्को छी बोलते थे। उन्होंने जरा धोके बनाए जी, यहाँ बोले तो जरा बो आती। कुछ भी नहीं, वहाँ सब धो धुला के लेके आते समझे, आपके भाभी को तो धोते हाथों से। अच्छा भाई मेरे को जो अच्छा दिखा मैं बोल दिया। और क्या जरूरत थी जी आपको वहाँ बोलने की, मैं लंच होटल में करता हूँ बोल के। है सो बोला। मैं कितने बार बोली आपको टिफिन देती हूँ बोले तो नको नको बोलते, वहाँ जाके सबके सामने ऐसा बोले मैं बाहर ही करता हूँ लंच बोल के। अरे जो है वो बोला ना जी, बाहर खाता हूँ तो बाहर खाता हूँ बोला। आपके अम्मी मेरे को कैसा घूर के देखे मालूम, बोलना था सबके सामने इन्हों टिफिन दे तो मैं नहीं लेके जाता हूँ बोल के। हाँ मैं बोलना नहीं, इन्हों टिफिन देते मैच नहीं लेके जाता हूँ। हाँ वो बोलना, बीवी की तारीफ करने का कितना वजन होता। भाभी की तो पकवान की तारीफ करते हुए आपका मुंह नहीं थकता, ऐसी तारीफ करते अब्बा भाभी क्या बना है, अरे भाभी ये मजे का है, ये ऐसा है वो वैसा है बोल के पूरे नितातले कामा करते वहाँ। अरे मैं क्या, इन तीन बच्चों को संभालते हुए भी इतनी चीजा बनाए बोल के तारीफ करा। क्या संभालते जी, घर में दो मोबाइल ना तीन टैब है, एलो माँ मोबाइल देख लो, एलो माँ टैब देख लो बोल के बच्चों को बिठाए थे, बच्चे उसमें से रहते इन्हों कामा कर लेते घर के। खा रहे थे चीजों की तो तारीफ करते करते, अरे भाभी आप लास्ट ईयर वो क्या मस्त बनाए थे बोल के पुराने खानों के भी तारीफ करना है आपको। हो अच्छे थे नहीं वो आलू के पराठे, ऑनलाइन मंगाए सो थे वो, दूसरे दिन डस्टबिन में थैलियां देखी मैं। गए सो एक महीने में पूरा मेरे को आपके घर में रहना है, अम्मी के पास भिजाते नहीं, और सुबह से शाम तक आपके ये बात सुनना, आप घर में न रखो तो अम्मी भाभी उन लोगों के ताने सुनना। मैं गए ना जी 15 दिन, आप उसको जाना बोलते यूँ पूछ लेके मैं घर को पहुंची नहीं, आपके अम्मी फोन कर दिए, अरे बेटा शाम में छोटी दावत रखना सोचे जरा आओ ना, सब जने पूछते छोटी बहू कहाँ है बोल के, जान दे बोल के आ गई मैं, मिलने के चले जाओ बोले, मिलने बाद चले जाएंगे बोले तो रात हो गई ना बेटा, इतनी रात में कहीं को जाते अच्छी बात नहीं, सुबह में जाओ बोले, सुबह में जा रही हूँ तो नाश्ता कर लेके जाओ ना बेटा बोले, आप लोगों के पास 10-11 बजे नाश्ता होता, नाश्ता कर लेके जाएंगे बोले तो दोपहर में इतनी धूप है बेटा कैसा जाते, शाम में जाओ बोले, चलो शाम में जाएंगे बोले तो चमन में जरा टहल के आएंगे बोले, चमन में जाके आने के बाद चलो जाएंगे बोले तो रात का खा के जाओ बोले। हाँ तो रात का खा के चले जाना था तो फिर रात हो गई ना जी, वही बोलते सुबह में जाओ बेटा बोल के, जब मेरे को आंसर मालूम है तो मैं कहीं को पूछूं। सुबह उठ के गई, शाम में फिर फोन करे, शब्बीर की बच्ची को बच्चे वाले देखने आ रहे जरा आओ ना माँ, तो मैं क्या करूँ। चार बहू है ना माशाल्लाह, अब एक बहू नहीं रही तो क्या हुआ, उल्ला के अटेंडेंस रजिस्टर लेके आ रहे, आपकी एक बहू एब्सेंट है बोलने। मिलाने जी भवों से। अब बच्चे वाले देख के जाने के बाद फिर मैं फोन करी अम्मी को, अम्मी मैं आ रही हूँ बोले तो, जान दे बेटा तू नकुआ, तेरा आना समझ में नहीं आ रहा, तेरा जाना समझ में नहीं आ रहा, तू वहीं रह गए तक बोल दिया मालूम। मेरे को वो सब नहीं मालूम भाई, अंदर क्या चल रहा था। अंदर क्या चल रहा है आपको नहीं मालूम ना, ठीक है आपको बाहर मुंह फाड़ने की क्या जरूरत, मैं मेरे कपड़े लॉन्ड्री में धुलाता हूँ बोल के अम्मी कितना पुकार लिए मालूम। मैं चुपके चुपके नहीं बोला, अम्मी वहाँ साड़ी देने वाले थे आपको इस्तरी करो बोल के, अगर वो आप करते ना 3 दिन थके सो जाते थे। अच्छा करे, लेकिन आप बोल के चले गए, मेरे को शाम तक बातें सुनाए मालूम, अम्मी आपका क्या है आप रात में 4 बजे आते सो जाते, सुबह उठते चले जाते। जल्दी आके क्या करो मैं, कुंडी लगा ले सैया जन्नत दिखाती हूँ बोल के 3 घंटे लड़ते आप मेरे से कमरा बंद करके। ऐसा इतने दिनों में एक बार तो भी पूछे जी आप मेरे को खाना खाए क्या, नींद हुई क्या बोल के। पूरे 11 महीने वो कर दो ना जी, रोज पूछ तो मैं यहाँ पे, और है भी कौन बोल के पूछते, सबके सामने अहमियत दिखाए तो समझ में आता। वाह आपसे आप छुट्टी जा रहे तो आप अकेले चले जाओ, मैं यहीं रह जाती हूँ, वहाँ गए तो अम्मी के पास जाने का मिल रहा नहीं, सुबह शाम आपके पास बातें सुनना खाली। अच्छा जी मर्जी आपकी।
आते वक्त आपके अम्मी एयरपोर्ट पे क्या बोले सुने आप? बच्चे को बासी खाना नको दो माँ कैसे? बनाए तो बासी होंगी ना। क्या बोले? नहीं मैं बोल रहा था बासी बिरयानी की थी अच्छी रहती। नहीं नहीं मालूम अम्मी को। बस करो ये बात आपके, ये सब बात आप यहीं करते, वहाँ जाते ही रंग बदल जाता आपका। वहाँ की मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आती, सुबह जल्दी उठ गए तो आपको कोसा बेटा मुर्गियों का खुड़ाड़ा खोलना है, सो जाओ जाके बोलते। अरे ऐसा बोल रहे ना बोल के जाके सो गए तो चार लोगों के सामने बोलते, ये बाहर के लोग हैं दोपहर तक सोते हैं बोलते। हाँ वो तो है ना। कहीं भी शादी में गए तो कुछ भी पहन के आओ, ये कहीं को पहने बेटा मैं 200 साड़ी पहनो, ये गोल्ड कहीं को पहने बेटा मैं 200 गोल्ड पहनो। हो जी ख्वाहिश है उनकी। खाली पहनना नहीं रहता, वहाँ पे सोप के सामने बोलना रहता, कोई तारीफ कर दिए तो स्टेज पे से भाग क्या है आपके अम्मी, मैं जीसो है बोल के। शमू खाला के साथ हाईलाइट सीन हो गया मालूम। क्या हुआ? वहाँ मैं शमू खाला शादी में ठहर के बातें कर रहे, एकदम शमू खाला बोले, अरे साड़ी बहुत अच्छी है माँ तुम्हारी, बोलते कि आके आपके अम्मी मैं दीसू हूँ बोले। उसके बाद बोले अरे कंगन भी अच्छे दिख रहे बोले तो अब मैं दीसू हूँ बोले। फिर बोले अरे वो गोल्ड भी अच्छा दिख रहा है तो मैं दीसू हूँ बोले। उसके बाद उन्होंने पूछा अरे हाथ पे चुरका कैसा लगा बोले तो मैं दीसू हूँ बोलिए। उसके बाद फिर हंस के संभाल लिए, अरे नहीं बच्ची को पकवान नहीं आता, वो बच्ची चमचा गरम पकड़ ली, ये वो बोल के मालूम। अयो मैं भी खामोश बैठी, मैं तो सोच ली वाह जाके अब नेक्स्ट छुट्टी मैं तो यहीं रहती हूँ। सही है। हेलो मिस, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। फोन करने ही वाला था मैं आपको, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से पहुंच गया हम लोग। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, और सब ठीक है ना बेटे? अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी अल्हम्दुलिल्लाह। बेटे वो शब्बीर की बच्ची को देखने आए थे। हाँ। रिश्ता पक्का कर दिए और अगले महीने शादी बोल रहे। अरे अच्छा है ना अम्मी माशाल्लाह। हाँ मैं भी बोली मेरा बच्चा जो है बिज गया, आने नहीं होता, बोल तो भी नहीं सुने। हाँ अम्मी मुश्किल है मेरा, नहीं आ सकता मैं। ठीक है भाव को भेज दो। हाँ भिजा दे तुम्हें शम्मू को। हाँ पूरे एक महीने के वास्ते भेज दे। हाँ हाँ मैं भिजा दे तुम्हें। हेलो अम्मी अम्मी